वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैकोलॉजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन गाइस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और गाइस ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन गाइस एनडीए 2016 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन है गाइज ए मीटर पर सेकेंड, बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइज इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे गाइज ये क्वेश्चन 9th लेवल का क्वेश्चन है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अब ये गाइज आया कहाँ से? तो गाइज एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अब रेट इन चेंज इन वेलोसिटी होता है गाइज वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, जहाँ पर गाइज वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का गाइज सेकेंड होता है। इक्वल टू गाइज यहाँ पर आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर गाइज, सिंपल इज डेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन गाइज आरआरबी 2018 में पूछा गया था। गाइज आपके ऑप्शन ए है ओम, बी है न्यूटन, सी है जूल और गाइज आपका ऑप्शन डी है कूलॉम। और गाइज आप लोग किसके आंसर कमेंट में कमेंट कर दीजिए। और गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम। ओम गाइज ये रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। ये सभी क्वेश्चन गाइज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर रिपीट हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। आपका ऑप्शन ए है टेम्परेचर, बी रेडियो एक्टिविटी, सी हीट, डी एनर्जी। तो गाइज जो क्यूरी होता है वो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। ओके, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है क्यूरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 है डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन। ये क्वेश्चन गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गाइज आपका ऑप्शन ए है गैलेक्टिक यूनिट, बी है सेलर माइल, सी है कॉस्मिक किलोमीटर और गाइज आपका ऑप्शन डी है लाइट ईयर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाइट ईयर। ओके, लाइट ईयर में स्टार का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 है हमारा 1 मीटर इक्वल टू कितने नैनोमीटर। गाइज ये क्वेश्चन आरआरबी 2018 में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो गाइज आपका ऑप्शन ए है 10^6, बी है 10^7, सी है 10^8, डी है 10^9। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10^9। ओके, 1 मीटर इक्वल टू होता है 10^9 नैनोमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होता है, यानी गाइज द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज। और गाइज अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर दिन के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज क्वेश्चन 7 हमारा डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। तो गाइज डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन गाइज एसएससी 2005 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है स्पीड ऑफ लाइट, बी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सी है इंटेंसिटी ऑफ हीट और गाइज आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये गाइज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2005 में पूछा गया था। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड गाइज। ओके, जो डेसिबल है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज क्वेश्चन 8 हमारा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आपका ऑप्शन ए है 1 kg/s, बी है 1 kg/s, सी 1 kg/m² और गाइज आपका ऑप्शन डी है 1 kg/s². ये क्वेश्चन गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आरआरबी 2018 में पूछा गया था। तो गाइज 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है, तो सिंपली गाइज न्यूटन क्या होता है? तो गाइज जो न्यूटन होता है वो फोर्स का यूनिट है, एसआई यूनिट है। और गाइज फोर्स क्या होता है गाइज? फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। और गाइज एम इज इक्वल टू होता है केजी और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सिंपल इज डेट गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 kg/s². ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 हमारा लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये क्वेश्चन आरआरबी 2019 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है टाइम, बी है डिस्टेंस, सी है लाइट और गाइस आपका ऑप्शन डी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रेंड्स कुछ लोग क्या करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर टिक करके आ जाते हैं, जो कि गाइस इसका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। अभी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जो लाइट ईयर है वो स्टार, इट मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार, ओके, ये स्टार के डिस्टेंस को मेजर करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस आपका राइट आंसर, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइस क्वेश्चन 10 हमारा, मोमेंटम इज अ मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। ये क्वेश्चन गाइस आरआरबी 2018 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है मास एंड फोर्स, बी है मास एंड एक्सीलरेशन, सी है मास एंड इनर्शिया और गाइस आपका ऑप्शन डी है मास एंड वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास एंड वेलोसिटी, ओके। मोमेंटम ये मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और गाइस मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को गाइस हम पी से डिनोट करते हैं और ये गाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और गाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, ओके, वेलोसिटी। और गाइस मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ओके, क्योंकि गाइस मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, ओके, सिंपल इज दैट, केजी मीटर पर सेकेंड। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।